वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। हम आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा के क्षेत्र दास गार्डन में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला नजफगढ़ अध्यक्ष सैयद कमरुद्दीन ने सभी गरीब जनों को, कॉलोनी निवासियों को राशन बांट कर उनके घर का राशन पूरा करने की है कोशिश। कोरोना वायरस के चलते जो पूरा भारत बंद है, तो लोगों के घरों में परेशानी ना आए, इसलिए अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला नजफगढ़ अध्यक्ष सैयद कमरुद्दीन के साथ साथ उनके परिवार ने भी भारी भूमिका निभाते हुए सभी को राशन दिया है। दाल चावल आटे की व्यवस्था की है। हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर दे रहे हैं राशन। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं समाज की सेवा में कई पिछले दिनों से तत्पर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कांग्रेस कमेटी का, जैसे मैं अल्पसंख्यक जिला नजफगढ़ का अध्यक्ष हूं उस हिसाब से, और साथ ही मैं समाज का एक सेवक भी हूं, तो समाज के हिसाब से मैं सभी समाज के बारे में सोचता हूं और कोशिश करता हूं कि मुझसे जितना हो सके उतना मैं उनके लिए करूं। सुबह भी मैंने शुरू किया था तो सामान घट गया, फिर दोबारा मंगाया, फिर कल भी करेंगे। जब तक ये रहेगा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब एक टाइम में कई 150 आदमी आ जाते हैं, फिर हो जाता है, फिर आते हैं, फिर हो जाता है, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक ज़रूरतमंद अगर आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि हमें पहुँचाना चाहिए वहाँ। लेकिन खुद यहाँ आ रहे हैं तो हमारे गली मोहल्ले आसपास में सब भाई बंद हैं, है ना, गरीब अमीर सब मिल करके इस काम को करेंगे। और ये है कि भाई आपस में अगर हम कॉलोनी वालों को भी, कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, जो लोग मजदूर हैं वो भी, और जो लोग के काम धंधे बंद हो गए, उनको घर तक पहुँचाना हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी ने कहा था कि जहाँ भी जो कांग्रेस का कोई भी हमारा वर्कर है वो इस कार्य को करे, उसके घर में उनको खाना दे, उनको राशन बांटे, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ से भी आदेश हम कर रहे हैं।